महिला पहलवान पिछले एक महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि ये हमारी अपील है, इसे सुना जाए, लेकिन महज एक डेढ़ किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी, ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। के कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो। मत समझना डराने से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे ना, नहीं डरेंगे ना। मैं अशफाक करीम साहब से बैठे हुए एक बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे, कम्युनिटी में डर सा बैठ गया है, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहट वालों। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो, सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाद देनी है, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, चौथा जो मिसरा है उस पे दाद दीजिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं। के हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या अच्छा, कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा दो दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें आप, सिर्फ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। के हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत
को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। यहां से वहां तक एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा। एक एक हाथ उठेगा कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदोस्तां को तिरंगा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। अगर नफरती नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं, तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फजाओं को भर दीजिए, ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदोस्तां को तिरंगा दिया। ये तिरंगा अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब बैठे हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है, महिला पहलवान पिछले एक महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि ये हमारी अपील है, इसे सुना जाए, लेकिन महज एक डेढ़ किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहे थे इस नज्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूं और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है, के आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम, के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना, अगर सच लगे तो। मैं जो बातें यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन के बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे,
अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।